तो हम लोग आज फाइनली वापस से जा रहे हैं वेस्टर्न पुष्कर। ये रिज़ॉर्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने सोचा एक बार और जाते हैं। मैं, शिप्रा, इज़राइल, मेरी मदर और सिस्टर, और हम लोग अभी किशनगढ़ पे रुके हैं बर्गर किंग पे, क्योंकि इज़राइल को बर्गर्स बहुत पसंद है और मुझे भी। तो हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, और हमारा जो भी शिप्रा ने ऑर्डर किया है वो मैं पिक करके गाड़ी में जाऊँगा, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे पुष्कर के लिए। ये देखते हैं। टिश्यू डाल दिए, एक्स्ट्रा टिश्यू कर दिया, थैंक यू। ये वाला जो FPV व्यू दिख रहा है अभी आपको, फर्स्ट पर्सन व्यू, ये हमने रिकॉर्ड किया है Insta360 Go 3 से, जो कि शिप्रा ने लिया है अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले ही। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है ये, मैंने सिर्फ मैग्नेटिक क्लैंप के थ्रू अटैच कर रखा है अपनी शर्ट पे, एक पेंडेंट की तरह होता है उस पर अटैच है, तो इसलिए आप लोगों को इस तरह का व्यू दिख रहा है। फ़ोन से रिकॉर्डेड नहीं है, बहुत ही क्लियर अच्छा खासा व्यू है इसमें। एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप लोगों में पेशेंस है आज ये वीडियो देखने का, विच इज़ फॉर 1 आवर 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो ये जो पूरा वीडियो है हमारी इस शॉर्ट ट्रिप का, 2 दिन की ट्रिप है हमारी, ये हम लोगों ने शूट किया है डिफरेंट कैमरास से। हम लोगों ने यूज़ किया है iPhone 13, iPhone 14, GoPro Hero 11 और Insta360 Go 3। तो चलिए देखते हैं पुष्कर की ये जगह है, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसको बोलते हैं नगर पालिका यात्री कर नाका, जिसका मतलब है कि पुष्कर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो टूरिस्ट से एक 30 रुपीज़ के चार्जेस लेते हैं। आई डोंट नो क्यों, उसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे आज तक कोई लॉजिक समझ नहीं आया, बट अब जितनी बार भी पुष्कर आओगे आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। पहले ये 20 रुपीज़ था, फिर ये लास्ट 2 बार से हम लोग 30 पे कर रहे हैं। इनको बोलो कि मुझे रसीद नहीं चाहिए तो ये 20 रुपीज़ ले लेते हैं। तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि ये पूरा फर्जी है। आई डोंट नो क्यों है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या रशनाल है, लेकिन हाँ ये है एंड आई रियली हेट दिस। अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, बट क्लियरली ये दिखता है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के लूटा जा रहा है जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे दिन में कितने लोग आते होंगे और ये 30 रुपीज़ हर इंसान से लेते हैं, तो कितना ये लोग कमा रहे हो। इस पॉइंट पे आके काफ़ी घने बादल हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बरसात होने वाली है बहुत ज़्यादा तेज़। मौसम बहुत अच्छा हो गया है हम लोग भी ट्रिप के लिए, तो वी रियली होप कि बरसात हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा और ठंडा हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये इस तरह का मैं टाइम लैप्स वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगते हैं टाइम लैप्स वीडियोस। ये आपको आपकी पूरी जर्नी दिखा देते हैं कि आपने क्या किया, कहाँ कहाँ से निकले। मेमोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है देखना। वेस्टर्न तक पहुंचने की रोड थोड़ी अच्छी सी नहीं है, आपको बहुत पतली सड़कों पे से होके, कई जगह कच्ची सड़कें भी हैं वहाँ से होके निकलना पड़ता है, बट आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये है कोई जगह। सोच नहीं सकते इतना अच्छा व्यू दिखता है आपको। ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। हाँ एप्पल इसमें ले लो, आओ ऐसे मैं मम्मी का बैग पर्स लूंगी ना। से हाय ऐसे, हाय कर दो। फिर ये है ना, आपको रूम नहीं देंगे यार, ये फेंकना है ना। अभी
तो अब टाइम है हमें फाइनली चेक करना है कि कौन सा रूम हमें मिल रहा है। हम लोगों के पास ऑप्शन है लग्जरी विला रूम का और रॉयल विला रूम का। बेसिकली हम लोग लास्ट टाइम रुके थे तो लग्जरी विला रूम में रुके थे, जिसमें रूम के अंदर ही स्विमिंग पूल है, बेसिकली बाथरूम के अंदर स्विमिंग पूल है। जो रॉयल विला है उनका, उसमें आउटडोर पूल है, तो आपके विला के अंदर लेकिन बाहर ओपन में पूल है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा रॉयल विला पूल लेते हैं। इज़राइल होटल्स के नाम से ही खुश हो जाता है, महीने में 4 बार बोलता है कि होटल चल के रहना है, तो ये दिख रहा है कि कितना ज़्यादा खुश है अभी होटल में आके। हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको जितना ज़्यादा ले जाएं लंच डिनर पे, बट वो प्रेफर करता है कि स्टे के लिए ही जाए। Thank you.
तो हम लोगों को रूम अलॉट हो गया है, हमारी फाइनली बग्गी आ गई है जिसमें हम लोगों का लगेज भी डल गया है। अब हम लोग जा रहे हैं इस बग्गी से हमारे रॉयल विला तक, और मैं आप लोगों को जाते में दिखाऊंगा कि किस तरह का व्यू दिखता है रिजॉर्ट का, कितना बड़ा ह्यूज रिजॉर्ट है और इतनी बड़ी बग्गीज हैं। पीछे आपको ट्रेन भी दिख रही है जो इज़राइल को बहुत पसंद है, जिसमें घूमना चाहता है। तो हम फाइनली आ गए हैं अपने रॉयल विला पे, जिसका नंबर है विला नंबर 403। अब हम लोग अंदर जाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना ब्यूटीफुल विला है। आइए चलते हैं। नीचे ऊपर नीचे There is no swimming pool. है. है? कहाँ पे? अरे, मुझे अभी नहाना है. थोड़ा कम है. क्या? कम हो रहा है. हट जाओ. आओ, बैग खोलूं. That's your private pool. Do you like it? Daddy, aap aa jao bahar. Dekho na. Aja, aap aa jao. Aja hai. Mama, gehra hai. Gehra hai. Resort aane ka Israel ka ek hi motive tha, swimming pool mein jana, aur wo sabse pehle wahi kar raha hai. Thank you.
पानी में पहिया डुबाओ। ये है वेस्टर्न का गार्डन और जो सामने दिख रहा है वो है इनका बैंकेट हॉल जहाँ पे मैरिजेज और इन सब के फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग गार्डन में अभी इज़राइल को घुमाने लाए, इधर उधर दिखाने थोड़ी बहुत चीज़ें। और लेफ्ट एंड राइट साइड हम लोगों के पूरे में विलाज हैं, तो ये इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ पे। ये बैंकेट हॉल के सामने का एरिया भी बहुत अच्छा सा है। यहाँ पे आपके चलने के लिए सैंडस्टोन के गोल गोल राउंड स्टोन्स लगे हैं, पूरे में पानी भरा हुआ है। और ऐसे ये जो सामने स्टोन का टॉर्टोइस दिख रहा है, ऐसे आपको कई सारे टर्टल्स दिख जाएंगे यहाँ पे रखे हुए। और यहाँ पे लगातार पानी की आवाज़ आ रही होती है, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है ये। रात में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि रात में इसमें लाइट ऑन होती है। तो हमने आगे रात का भी सीन रिकॉर्ड किया है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये है इनका पैनोरामा गार्डन। प्राइमरली यहाँ पे कार्निवल्स होते हैं, तो जैसे विंटर्स में हम लोग आए थे तो यहाँ पे क्रिसमस कार्निवल चल रहा था, बहुत अच्छा डेकोरेशन था। समर कार्निवल भी ये लोग इधर ही लगाते हैं, जिस टाइम पे ये लोग सारी स्टॉल्स सेटअप करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टी कॉफ़ी कैंडी स्लश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लगाते हैं। और ये वैसे भी बहुत अच्छा है मॉर्निंग में, अगर आपको वॉक करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके लिए गार्डन बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। इज़राइल को बहुत ही अच्छा लगता है इस गार्डन में आके।
अपना क्या है? ये वाला है क्या? 403 गार्डन में घूमने तो बच्चे का काम कर रहे हैं, बच्चों का स्प्रिंग नहीं कर रहा है कहाँ से जैसे अरे स्विंग एजेंट इज़राइल को स्विंग करना है। और फाइनली मैंने और शिप्रा ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं अपने GoPro Hero 11 से और शिप्रा अपने Insta 360 Go 3 से। शिप्रा ने तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, तो चलिए अब चल रहे हैं हम लोग इवनिंग में थोड़ा सा बाहर घूमने, देखने रिजॉर्ट को और इज़राइल को घुमाने। नहीं जाए तो वो है ना टॉर्च आपके पास, निकाल लो ऊपर ही रख लो। ये वो है जो गेट पे थे। एकदम बढ़िया। आए गए फाइनली। हाय कैसे हो? याद है आपको? कब मिले थे हम लोग? बोलो मैं याद रखता हूँ सब। कौन सा रूम था पहले आपका? नहीं याद है। ओके एंजॉय। डॉगीज याद है। थैंक यू। थैंक यू। एनीथिंग रिक्वायर्ड आल्सो? हाँ नहीं अभी तो आई लेट यू। थैंक यू। Thank you.
आवाज दो, और आवाज दो, नहीं नहीं आवाज दो, उठ जाएगी, बोलो नाम लो, उठ जाएगी, चलो और अब इज़राइल जा रहा है हॉर्स राइड और कैमल कार्ट पे घूमने के लिए। उसको जो हॉर्स थी उसका नाम याद है, कैमल का भी नाम याद है। इज़राइल बहुत एक्साइटेड है। पकड़ लो आपको, क्योंकि उसको आता है चलना, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ। आप जो हमें पकड़ पकड़ के चलते हो, सोचो वो भी अपने आप चलते हैं। देखो उसका कारपेट फट गया ना, वो रहा टेबल पे है ना, तुम तो बच्चे हो ऊपर बैठे हुए हो। अरे आप पकड़ लो पापा यहाँ से पायल को। आजू हाँ। सब वो देखो कारपेट हटते ही रुक गई थी ना वो, है ना पायल स्मार्ट है बेटा। पायल को पता है छोटा बेबी बैठा है, है ना मजा आ रहा है, काम कैसे हो रहा है, पकड़ लो आज आपके भी कर दें ऐसे ही, आपके भी ऐसे ही कर दें कान पायल की तरह। मेरी में आ रहा है बैटरी गई आई थिंक, बैटरी गई उसमें लगाना पड़ेगा। पायल पायल पूछ अभी तो पूछ मक्की उड़ा रही है इज़राइल को, लग रहा है पायल पूंछ से मार रही है मेरे मक्खी उड़ा रही है ना, उनके बाल इतने बेटा हैवी, वो क्या उसके देखो ये मक्खी आ जाती है ना तो वो कैसे उड़ाए मक्खी, आप तो हाथ से उड़ा लेते हैं कैसे पायल मेरे को मार रही है फ्रेंड है आजू की पायल ना। भैया को बोलो पकड़े रहना। हाँ भैया पकड़े हैं, भैया भैया को पायल ज्यादा प्यारी है, डोंट वरी। कार्ड थोड़ी होती थी Thank you.
क्या मिल भागा? बात सुन जा। आंसू की बात सुन ली, क्या मिल गया? क्या मिल भागा? रुक जा थोड़ी देर। अच्छा फिर चलना। ऐसे नहीं होता है। भई इनके दुम इतनी ही होती है क्या छोटी? हाँ मैम। अब हम लोग जा रहे हैं इवनिंग कार्निवल के लिए। बेसिकली कार्निवल में क्या है कि आप लोगों को टी कॉफ़ी, बच्चों के लिए केक, कपकेक मेकिंग सेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉटन कैंडी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इन हाउस गेस्ट के लिए। थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है क्योंकि शाम को थोड़ी सी लो ऑक्यूपेंसी है तो आपके पास इतना कुछ करने को है नहीं। ये वाला वीडियो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है दोनों इंस्टा 360 गो 3 से, और मैं सामने रिकॉर्ड करता दिख रहा हूँ आपको गो प्रो से, और हम आपको दोनों व्यूज भी दिखाएंगे कि दोनों किस तरह से दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। बेटा वो भी तो सस्ता आता है ना यार, रेस्ट करता है। अपने पूल साइड पे, अच्छा पूल साइड पे। क्यों ये तो है पूल साइड, ऐसे गार्डन में आती है सही, ऑपोजिट उसके पूल साइड है। अरे गार्डन ये वाला था। अरे गार्डन के लिए काट रहा होता, अरे की वो तो पूल साइड में, तो वहाँ पे पूल तक जाने के लिए वो नहीं है ना, यहाँ से पूरा जाओ, ब्रिज उतरो, पहले देखेंगे कितना दूर है यहाँ से, तो वो है और उधर से वो पूरा जो एक्टिविटी एरिया है, समझिए। और अब ये व्यू है मेरे GoPro Hero 11 से जो कि मैंने लिया है सेम लोकेशन का जब हम जा रहे हैं कार्निवल में इवनिंग में, मैं शिप्रा और इज़राइल, तो हम लोग उसी एरिया से निकल रहे हैं जहां अभी आपने देखा था इंस्टा 360 Go 3 की रिकॉर्डिंग।
से हाय एजू, नीतू से हाय फर्स्ट. व्हाट्स योर नेम? तो फिर अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर निकले.
डस्टबिन वहां पे उड़ेंगे। आप कूदो, एजुअल बोलो दादी को। आ गई। सुनो वो डिस्प्ले आपके पास है, बाय ये ले लो। मैंने ले ली, मतलब बतख का गेट भी खोल दिया। किसी को लेके जाना पड़ेगा ना अपने को, किसी को लेके। उसमें ही बैठ के जा रहे हैं दादी और रूम में जाएंगे ना। उन्होंने पूछा था कब, चले आओ उधर से की ले लेना ना उसकी कार की। जस्टिन बोल कैमल, उनको बोल देना ना रूम पे रह गई भाई, दवाई ले गई है। कैमल उधर अभी नहीं आया ना बेटा, इतनी मॉर्निंग में थोड़ी ना आता है कैमल, थोड़ी देर में आएगा। अभी पापा पहले दवाई लेंगे बेटा, देख रहे हो ना पापा को कितना तेज कोल्ड हो गया। पापा नहीं आ चल रहे आपको दिखाने पात तक डक्स। भाई सुन, अकेले नहीं जा सकते अपन गेट खोल के, ये मास्टर बेयर देखेंगे ना आज थिएटर में, है ना, ऐसा मजा लगेगा पॉपकॉर्न के साथ। वाओ यार हाउ एजल भाग गया। अब उस दिन भी हुआ था ना ऐसा, किसी को लेके आएंगे जो पपी, तो अब वो बड़ा हो गया तो बाहर है। और बच्चे है? बच्चा वो बैठा हुआ बेकार सा, वो बैठा हुआ है ना पत्थर जैसा, दिखा उसके डक के पीछे देखो एकदम, वो जो डक खड़ी ऐसे गर्दन करके खड़ी हुई है ना उसके पीछे। हाँ हाँ वो वाली के पीछे, वहां पे देखो, दिखा बच्चा। से हाय, बॉक्स के अंदर नहीं है। हाँ शायद कुछ हम नहीं करेगा जो कम। एक बार फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो वो एकदम से आई थिंक ज्यादा, हाँ एक मर गई है मैम उसमें से। अरे जो बेबी था इनका थोड़ी सी बड़ी थी ना वो वाली, जो एक थी जो पीछे पीछे घूमते रहती थी, हाँ वो वाली। बड़ी थी वो काफी, तो अभी यही सब बची है देखो। इनको खाना दे, उनका खाना बो रहा देखो, खाना दे आज, चलो खाना देते कम, होल्ड माय हैंड कम। अच्छा अभी हम लोग फ्रेंड्स हैं। हाँ इसे बी ए फ्रेंड्स, व्हाट्स योर नेम,
What's your name? Tell her first. You should at least Israel. You Israel. ऐसे नहीं जा सकते बिना दीदी के. वो ही लेके जाएंगे बेटा. अदरवाइज अपने को थोड़ी जानती है वो. नहीं जानते ना अपने को. तो ये देखो छोटू बेबी. ये दो थे ना आई थिंक. मैम दो है, एक वहाँ पे है कोने में है. वो सारे बच्चे सारे छुपके बैठे हुए हैं. हाँ आप इतना गौर से नहीं देखते तो वो भी नहीं दिखती. हाँ मैंने इसको दिखाया तो उसको दिखी नहीं थी, अभी दिखी है. अभी तो फिर भी एक दिन तो कम हो गए, पहले तो काफी ज्यादा थे. हम फर्स्ट टाइम आए थे ना तो वो बहुत बड़ी थी. अभी ना हमारे पास कोको आ गई तो उसकी वजह से इसकी तरफ ध्यान अट्रैक्शन कम हो गया है. हाँ अभी डॉगी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो गया सबका. तो वो बोलते थे कि जब वो ऑनर आते थे तो उनके साथ साथ वो पूरा राउंड लगाते थे, पूरी प्रॉपर्टी में राउंड. इवन ऑनर आते थे तो सबसे पहले अपना लगेज भी नहीं उतारते थे, सबसे पहले इनके पास आके चलो पूरी प्रॉपर्टी में उनका राउंड लगता था. अभी आजकल वो कोको के साथ बिजी है, है इनके साथ भी, बट कोको के साथ भी है. तो वही ना कि सबका माइंड कोको की तरफ ज्यादा चला गया है. उनका टेंशन नहीं मिल रहा अभी इतना. हाँ वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है ना डॉग्स तो. And you can play with the dogs. Hmm. You can't play with the them. Ducks and all. Yeah. So that's why. You want to feed her? Come. चल मैं भी हूँ साथ में बेटा. You can hold my hands. Come. बेटा आप नहीं. You can throw. Throw fast. वो देखो खुश हो गई इज़राइल. सी ओ वाओ ओ बस इज़राइल बस इज़राइल बस इज़राइल. इनका ब्रेकफास्ट हो गया ब्रेकफास्ट हो गया. लो वॉश योर हैंड. आप कैसे कितना सा खाते हो ना. हाँ वैसे वो भी कितना सा ही खाएगी इज़राइल. वॉश इट कम ऑन. Very good. You like it? Yes? Wipe it. Come, I'll show you something. Come, hold my hand. Ducks ko bhi khana. Achha, unko bye to bol do. Say bye bye. Say bye. 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 Come. Careful. Oi. क्रो उनको मिल गया खाना. क्रो एंड बर्ड्स. ये है रिजॉर्ट का मेन स्विमिंग पूल, जहाँ पे कि ये कार्निवल एरिया है, ये वाला जो इवनिंग में लगता है. ये है इनका मेन पूल, एक छोटा सा वुडन ब्रिज बना हुआ है. इसी पूल में आगे की तरफ किड्स का पूल है, जहाँ पे एक छोटी सी बोट है जो इज़राइल को चलाना बहुत पसंद है. इज़राइल ने बहुत बार चलाई है, हम जब भी आते हैं तो इज़राइल वो वाली बोट ज़रूर से चलाता है. तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं. जैसा मैंने बताया था पहले भी कि ऑक्यूपेंसी बहुत कम है होटल की, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा टाइम है पूरा रिजॉर्ट एंजॉय करने का, क्योंकि दिख रहा होगा आप लोगों को दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम लोग ही हैं. तो बहुत ही अच्छा टाइम रहा है.
इज़राइल घर पे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करता है, तो ये पैनोरामा गार्डन में इज़राइल ने देखिए क्या क्या किया है। कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ लगा दी, मिट्टी हाथ से खोद रहा है। इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि ये किड्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पेट फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत सारे पेट्स हैं, आप लोगों ने देखे हैं अभी, डॉग्स भी हैं यहाँ पे, गीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इज़राइल को मिट्टी खोदने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो हमने भी इसे करने दिया। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? गार्डनिंग। गार्डनिंग कर रहे हैं? ओ वाओ, मैंने ये कल बनाया था, तो इसको खाना भी तो देना पड़ता है। अच्छा, और आप अब अपने हैंड्स कैसे वाइप करेंगे? ये लग्जर प्रेजिडेंशियल विलाज और सिग्नेचर रूम्स इस रिजॉर्ट का न्यूली ओपन्ड एरिया है। अभी भी पूरी तरह ये गेस्ट के लिए ओपन नहीं है, लेकिन 100% ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो ये वाला एरिया मिलने लगता है। पहले इनिशियली ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ वेडिंग्स में मिलता था, अगर आप वेडिंग के लिए पूरा रिजॉर्ट ब्लॉक कर रहे हैं तो। और यहाँ भी बहुत ही ब्यूटीफुल विलाज बने हुए हैं, दोनों तरफ विलाज हैं, लंबा सा स्विमिंग पूल है। आगे कुछ एक विलाज हैं जिनमें हर विला का एक प्राइवेट पूल है सामने, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी ऑक्यूपेंसी नहीं है। सेकेंडली इन्होंने 100% फुल फ्लेजिडली ये सबको देना स्टार्ट नहीं किया है, ये अभी भी वेडिंग्स के लिए लिए ही लिमिटेड हैं। ये वाले हैं प्रेजिडेंशियल विलास, जिनमें हर विला के बाहर एक छोटा सा पॉन्ड है, राउंड वाला पॉन्ड जो आपको दिख रहा है। अभी सारे पॉन्ड्स खाली हैं और वो फिर मर्ज हो जाता है एक बड़े पूल में, तो वो इन्फिनिटी पूल वाली फील देता है। अच्छे से मेंटेन नहीं है अभी, क्योंकि ऑक्यूपेंसी नहीं है, सिट आउट एरियाज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है दिखने में। जैसा मैंने बोला वेडिंग्स के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इनका मेंटेनेंस भी होता है, सब कुछ अच्छे से रहता है। जैसा मैंने बोला था ये पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है। यहाँ पे देखिए छोटे से किटन दिखा है हमें एक, इस किटन के पीछे मैं जाऊँगा तो आगे दो किटन और हैं, एंड आई डोंट नो यहाँ पेड़ों के बीच में और कितने सारे किटन्स होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी कैट्स, डॉग्स, गीज, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये है रात का व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरे में कितना क्लैरिटी, इतनी अच्छे से आ नहीं रही जितना हम लोगों को सामने दिख रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पानी की आवाज़ इतनी अच्छे से आ रही है यहाँ पे, क्योंकि चारों ओर पानी पानी है। काफ़ी मच्छर भी हैं क्योंकि इतनी ग्रीनरी है, बट हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है ये।
चल बिलियर्ड्स खेल ले। उनका तो अपने से वैसे भी होता है। क्या होता है? स्मार्ट। हाँ। सोबी। नया है इसके प्ले एरिया में। प्ले एरिया में आज तो पहले फोटो वोटो खींचेंगे यार, हमारी फोटो नहीं खींचते। देखो पिक्चर, देखो देखो कैसे पानी पीते हैं। सुनो चलो। हाँ कौन सा वाला है? कौन उधर है? इधर आओ। किड क्लब। क्लब क्या है? किड, किड मतलब बच्चा, किड्स क्लब। क्लब बच्चा वो यहाँ पे तो नहीं दिखता। ये देखिए आपके खेलने के लिए है ये स्पेस, और ये कुछ स्विंग्स, एंड दीज आर दी सम टॉयज, साइकिल्स, टेबल एंड चेयर। टॉयज कब है? आई डोंट नो। ये रहे टॉयज। हाँ ये दौड़ने वाले है, इसके लिए है ना, वो लगाओ जो घर पे खेलते हो ना आप। और दिस इज द स्लाइड। यस कम ऑन, जूते उतार के नहीं ऐसे कर लो। वाओ, यू नीड टू मेक दैट। दिस इज द गेट। सी इस टाइम पे इजराइल का फेवरेट है माशा एंड द बेयर। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो
इनका मिनी थिएटर है वो बुक किया है और बोला है उनको इज़राइल के लिए माशा एंड द बेयर प्ले करने के लिए। तो इज़राइल और शिप्रा ऑलरेडी बैठे हुए हैं इनके मिनी थिएटर में जिसका नाम है रिचार्ज, और वो देख रहे हैं माशा एंड द बेयर, क्योंकि हम तीनों ही होंगे थिएटर में और कोई होगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको एक रिजॉर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें अंदर ही मिल जा रही हैं। तो फाइनली अब हम लोगों का चेकआउट करने का टाइम हो गया है। दो दिन यहाँ पे इतने अमेजिंग निकले, दो दिन हम लोगों को पता भी नहीं चला कि दो दिन निकल गए, सिर्फ सोने के लिए गए होंगे हम लोग अपने विला के अंदर। मम्मी और सिस्टर तो थी जो विला में रुकी, बट मैं शिप्रा इज़राइल पूरे टाइम बाहर घूमते रहे, कभी मूवी थिएटर, कभी गीस को फीड कराने, कभी डॉग से खेलने, कभी स्विमिंग पूल में क्योंकि विला में हमारा प्राइवेट पूल था, कभी मेन पूल में, कभी कार्निवल एरिया। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वी वुड हाईली रिकमेंड अगर किसी को आना है तो वेस्टर्न पुष्कर से अच्छी कोई प्रॉपर्टी नहीं है शायद पुष्कर में, क्योंकि हम लोग और भी जगह रुक चुके हैं पुष्कर में पहले, लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला है। तो आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा हम लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। Thank you so much for watching. Bye bye.